नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ मुकेश कुमार जहांगीर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी झुंझुनू, असिस्टेंट प्रोफेसर। इस ज्ञानदूत सेकंड जो कि कॉलेज निदेशालय द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जो आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, वो हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, देखो केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली मेरी जो कॉलेज आती है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन में है, तो जो आरयू का और पीडीएसयू का सिलेबस है वो लगभग लगभग सेम है, तो हम लोग उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, वो हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बल गति की। और रासायनिक बल गति की क्या होती है कि अगर कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में कोई भी ताप दाब या सांद्रता की कंडीशन दी जाए, तो ताप दाब या सांद्रता की किसी भी कंडीशन में अगर हम लोग वेग से संबंधित कोई भी स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक बल गति। एक दो दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू है इसका, वो ये है जो केमिकल काइनेटिक्स है या रासायनिक बल गति की है, उसकी हेल्प से हम लोग किसी भी अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों, ये ध्यान से समझना, फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शंस, किसी भी अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों, साथ ही इन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को हम लोग आसानी से एक्सप्लेन करते हैं। मीन्स हम लोग अगर मोटा मोटा क्राइटेरिया देखा जाए तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल काइने फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं उन अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का भी आइडिया हम लोग लगा सकते हैं किससे, केमिकल काइनेटिक। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग मेनली बात करें टाइप्स ऑफ रिएक्शन की या अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो ध्यान रखना बेसिकली जो रिएक्शंस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, केमिकल रिएक्शंस और बायोलॉजिकल, जिनको हिंदी में बोलते हैं जैविक अभिक्रिया। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। देखो तो दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक केमिकल रिएक्शन और एक हमारी जैविक अभिक्रिया। अब देखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है केमिकल काइनेटिक्स में, वो आप लोग ध्यान रखना कि जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें बेसिकली हम लोग केमिकल केवल जैविक अभिक्रियाओं की स्टडी नहीं करते, मेनली करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करते, लेकिन जो मेनली जो केमिकल काइनेटिक्स में फोकस रहता है वो रहता है केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में डेफिनेशन में, केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली किसी भी रिएक्शन के वेग या वेलोसिटी से या फिर रेट से रिलेटेड है, किसी भी अभिक्रिया के रेट से रिलेटेड है, ये ध्यान रख लेना। तो अगर हम लोग किसी भी अभिक्रिया की रेट या वेग की बात करें, तो देखो जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग या रेट क्या होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेग का मतलब ये है कि कितनी स्पीड से या कितनी गति से कोई प्रोडक्ट बनता है, या फिर कितनी गति से या कितनी स्पीड से कोई प्रोडक्ट कंज्यूम होता है। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी रिएक्टेंट है उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो जब अभिक्रिया होती है अगर, तो ध्यान रख लेना रिएक्टेंट कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक औसत वेग पढ़ते हैं और एक प्रशासनिक, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। कौन सा वेग बोलेंगे इसको, कौन सा वेग, तात्क्षणिक वेग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग देखो सबसे पहले बात करते हैं औसत वेग, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, क्या बोलेंगे इसको, एवरेज वेलोसिटी। देखो इसकी डेफिनेशन आप लोग ध्यान रख लेना, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला त्वरण
परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। मींस अगर कोई भी यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम का मतलब हो सकता है आप 1 सेकंड ले सकते हो, 1 मिनट ले सकते हो, 1 आवर ले सकते हो। तो ध्यान से समझना, किसी भी यूनिट टाइम में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पहलू, अगर हम लोग मैथमेटिकली इस फॉर्मूले को लिखें तो हम लोग औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी बराबर लिखते हैं प्लस माइनस अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। मीन्स अगर किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन में कितना समय लगा है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं औसत वेग। और अगर हम लोग, अब आपको पता ही है कंसंट्रेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, और टी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो जो कंसंट्रेशन में चेंज होगा वो डेल्टा सी, और जो समय में चेंज होगा वो क्या होगा, डेल्टा टी। अब अगर हम लोग वेग की यूनिट की बात करें तो देखो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और ये नीचे समय है तो समय इन्वर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ये वेलोसिटी या रेट का यूनिट है, ये वेलोसिटी या रेट का यूनिट है, ये ध्यान रख लेना, मोल पर लीटर, समय इन्वर्स। अब देखो ये समय कुछ भी हो सकता है, सेकंड इन्वर्स हो सकता है, मिनट इन्वर्स हो सकता है, आवर्स इन्वर्स हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, ये जो मैंने यहाँ पे एक प्लस माइनस सिंबल यूज किया है, मैंने क्या यूज किया है यहाँ पे, प्लस माइनस सिंबल यूज किया है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो एक बार प्लस लिखा है, एक बार माइनस लिखा है। तो देखो ध्यान से समझना, प्लस हमेशा जो है वो प्रोडक्ट के लिए यूज होता है क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, और जो माइनस है वो हमेशा रिएक्टेंट या अभिकारक के लिए यूज होता है, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज हो, ठीक है। देखो अगर हम लोग इसी को, मतलब इस वाली इक्वेशन को जो प्लस माइनस मैंने लिखा है यहाँ पे, उसी को अगर हम लोग एक बार रिएक्टेंट के लिए लिखे और एक बार प्रोडक्ट के लिए लिखे तो क्या होगा, देखो पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, आर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। माइनस का मतलब ये है कि जो हमारा रिएक्टेंट है, ध्यान रख लेना, जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन जो है हमेशा डिक्रीज होती है, कम होती है किसी भी अभिक्रिया के दौरान। क्लियर है ये चीज। अब देखो मैंने लिख भी दिया है नीचे कि इस फॉर्मूले में जो नेगेटिव साइन है ये वाला, वो नेगेटिव साइन अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी को प्रदर्शित करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अभी आपको बताया कि जो नेगेटिव साइन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में होने वाली कमी को रिप्रेजेंट करता है। बस ये आप ध्यान रखना, आपको जब भी न्यूमेरिकल करने हो तो आप इस नेगेटिव को इंक्लूड मत करना, ये नेगेटिव के लिए एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है कि जो नेगेटिव साइन है, जहाँ भी अगर रेट के आगे नेगेटिव लिखा हुआ हो तो आप लोग ये मान के चलना कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के रेफरेंस में है। अब अगर हम लोग ऐसे ही इन सारी चीज़ों को जैसे रिएक्टेंट के लिए यूज किया है, वैसे ही अगर हम लोग प्रोडक्ट के लिए यूज करें तो क्या कह सकते हैं, अगर हम लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज को ले ले डेल्टा एक्स, और इस चेंज में लगे टाइम को क्या ले ले डेल्टा टी, ठीक है, हम लोग बात करें रिएक्टेंट की। अब तो ध्यान से समझना, तो प्रोडक्ट के रेफरेंस में अगर हम लोग रेट लिखेंगे तो देखो प्रोडक्ट के रेफरेंस में जो रेट लिखा जाएगा उसमें पॉजिटिव सिंबल आ जाएगा। तो आपको पता होगा पॉजिटिव सिंबल क्यों आया है, मैंने लिख दिया है पॉजिटिव चिन्ह जो है वो समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, ये आप लोग ध्यान रख लेना। यहाँ पे जो ये वाला जो पॉजिटिव सिंबल है वो पॉजिटिव सिंबल, ये वाला पॉजिटिव सिंबल प्रोडक्ट की सांद्रता में या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में होने वाली वृद्धि या इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो बस आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उससे पहले जो हम लोग प्लस माइनस सिंबल यूज करते हैं उनमें से प्लस जो है वो प्रोडक्ट के लिए यूज होता है और जो माइनस है
वो किसके लिए यूज होगा, रिएक्टेंट के लिए। ये आप लोग हमेशा ध्यान रख लेना। तो देखो मैंने आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दी है औसत वेग की। अभी जो हमने डिस्कस किया है वो सिंपल क्या होता है हमारा, औसत वेग होता है। अब देखो एक और हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखो दो ग्राफ आप लोगों को दिख रहे हैं, देखो इसमें क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। इन दो ग्राफों का मतलब क्या है कि एक तो आपका समय है डेल्टा टी, देखो ध्यान से समझना मैं जो समझाना चाह रहा हूं, और एक समय आपका ये वाला है डेल्टा। अब देखो यहां से अगर हम लोग एक मिनट से स्टार्ट करें, सपोज जीरो है, यहाँ पे दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ जितने भी मिनट हो, सपोज यहाँ पे भी सेम कहानी है, ठीक है। अब देखो एक चीज को आप लोग समझना अच्छी तरह से, जो हमारा जो हम लोग लिखते हैं, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखो अगर हम लोग डेल्टा टी इस समय पर, अगर ये डेल्टा सी वन, अगर टी वन पर डेल्टा सी वन चेंज है, ठीक है, और अगर डेल्टा सी टू पर, डेल्टा सी टू पर जो समय लगा वो डेल्टा टी टू है, तो ध्यान रखना, देखो एक बात समझना आप, ये डेल्टा सी वन अपॉन डेल्टा टी हमेशा ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, देखो अगर हम लोग किसी भी अभिक्रिया के स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में जो है ना वो अभिकारक की सांद्रता ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में सांद्रता यहाँ पे है, तो धीरे धीरे सांद्रता कम होती जाएगी, लेकिन ध्यान रखना स्टार्टिंग में सांद्रता ज्यादा है तो सांद्रता में परिवर्तन भी ज्यादा होगा। तो देखो ध्यान रखना डेल्टा टी और डेल्टा टी वन और डेल्टा टी, मतलब ये टी वन और टी टू मान सकते हैं, ये दोनों सेम है, ये ध्यान रख लेना। डेल्टा टी और डेल्टा टी टू क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन डेल्टा सी वन ज्यादा होगा। ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो चेंज भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो ग्राफ था किसके रेफरेंस में, अभिकारक की सांद्रता के रेफरेंस में। अब देखो हम लोग सेम ग्राफ बनाते हैं उत्पाद की सांद्रता के रेफरेंस। तो देखो इसको हम लोग डेल्टा टी वन मान लें, इसको डेल्टा टी टू मान लें, लेकिन ध्यान रखना जो डेल्टा टी वन है वो डेल्टा टी टू के बराबर है, लेकिन डेल्टा टी वन पर जो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है वो डेल्टा एक्स वन है, और जो डेल्टा टू पर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है वो क्या है, डेल्टा एक्स टू है, सही है, बिल्कुल वो क्या है, डेल्टा एक्स टू है। तो देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है, देखो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो कंसंट्रेशन चेंज में भी, कंसंट्रेशन में चेंज भी ज्यादा होगा, तो ध्यान रखना स्टार्टिंग में प्रोडक्ट भी ज्यादा बनता है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज ज्यादा होगा। इसका मतलब डेल्टा एक्स वन जो होगा वो डेल्टा एक्स टू से ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो डेल्टा एक्स वन ग्रेटर देन होगा डेल्टा एक्स एक्स टू अपॉन डेल्टा टी। ये आप लोग इस ग्राफ को समझ लो, इसका देखो इस ग्राफ का मतलब एक ही है कि अगर हम लोग, देखो मैंने लिख दिया है क्लियर कट कंसेप्ट कि एक समान समय परिवर्तन के लिए अभिक्रिया वेग एक समान नहीं होकर के अलग अलग होता है, क्योंकि देखो हाँ एक चीज और ध्यान रखना, प्रारंभ में जो होगा वो अभिक्रिया वेग ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता ज्यादा होती है, और किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती हो। क्लियर है, ये आप लोग औसत वेग में ध्यान रख लेना। अब अगर हम लोग तात्क्षणिक वेग की बात करें या तत्कालिक वेग की बात करें या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, तो देखो वो क्या होता है, किसी क्षण विशेष या सूक्ष्म समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगे समय का अनुपात उस अभिक्रिया का तत्कालिक दर या तात्क्षणिक वेग कहलाता है। दूसरे तरीके से हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो किसी समय विशेष या किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग, किसी समय विशेष या किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग उस समय पर अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता, मतलब देखो इसका मतलब सीधा सा समझ लो कि अगर हम लोग टाइम जो है वो बहुत कम ले लें, टाइम जो है, टाइम चेंज जो है वो हम लोग बहुत कम ले लें, देखो यहाँ पे समझो डेल्टा टी जो टाइम चेंज है उसको हम लोग किधर ले जा रहे हैं, जीरो की तरफ। टाइम डेल्टा टी को जीरो की तरफ ले जाने का मतलब ये है कि जिस समय विशेष में हम लोग सांद्रता में परिवर्तन देखना चाहते हैं वो समय विशेष बहुत बहुत कम है,
मतलब वो समय जो है वो तात्क्षणिक है, 1 सेकंड का भी कई कम हिस्सा मान लो आप लोग। तो देखो जो तात्क्षणिक वेग होगा उसको कैसे लिखेंगे, देखो कंडीशन वो की वही है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये रिएक्टेंट के रेफरेंस में, लेकिन हम लोग डेल्टा टी को 0 की तरफ ले जा रहे हैं, मीन्स जो हमारा टाइम चेंज है वो बहुत कम है, इंस्टेंट यानी इंस्टेंट के बराबर है, मतलब एक क्षण के बराबर है, और क्षण का पता ही आप लोगों को, क्षण का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है। ऐसे ही इसको प्रोडक्ट के रेफरेंस में लिख सकते हैं। तो देखो तात्क्षणिक वेग में बस डिफरेंस इतना ही है कि तात्क्षणिक वेग में जो हम लोग समय परिवर्तन लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं। अब अगर हम लोग ग्राफ की हेल्प से तात्क्षणिक वेग को समझाएं तो देखो कैसे समझाएंगे, ये अभिकारक की सांद्रता है और अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती जाएगी। अब देखो आप लोग समझो, अगर सपोज ये समय हमारा और हम लोग इस समय पर अगर हम लोग किसी अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक स्लोप बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन का जो है वहां से हम लोग स्लोप निकालेंगे। अब आप लोगों को सबको पता है स्लोप जो होता है किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा टेन थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा जो होता है वो देखो किसके बराबर होगा, टेन थीटा कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो ये जो होगा वो लंब बटे वे आधार होगा, क्या होगा, ये लंब बटे वे आधार होगा, क्लियर है, क्या होगा, लंब बटे वे आधार होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, तो देखो सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए ये जो बराबर होगा वो तात्क्षणिक वेग के बराबर। देखो तात्क्षणिक वेग का भी फॉर्मूला तो वही है, ये सी माइनस ए जो है वो कंसंट्रेशन में चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से समझ लो, और जो बी माइनस ए है वो समय में टाइम में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है भाई, यहाँ तक अगर कोई इश्यू है तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो। आगे चलते हैं, अब देखो किसी भी रिएक्शन का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो टाइम है हमारा, टाइम के साथ जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में कैसे परिवर्तन होगा, जो उत्पाद है उसकी सांद्रता में कैसे परिवर्तन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो ये टाइम, ये कंसंट्रेशन, तो देखो सबको पता है समय के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है, और सबको पता है समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, ध्यान रख लेना, ये पहला ग्राफ है। दूसरा ग्राफ की बात, कंसंट्रेशन है, ये वाला सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला समय को रिप्रेजेंट कर, देखो समय के साथ उत्पाद की, सॉरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अगर इस टाइप का कोई ग्राफ मिलता है वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर, कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये वाला ग्राफ मिलता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन को। क्लियर है भाई, आगे चले, आगे चलते हैं। एक और दो ग्राफ है रेट और टाइम के बीच में, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है सबको पता है समय के साथ कम होता जाता है, क्यों, क्योंकि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता भी कम होती जाती है, और किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभिकारकों की सांद्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अभिकारकों की सांद्रता, जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता कम होगी अभिक्रिया का वेग भी कम हो जाएगा, ठीक है। एक ग्राफ हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये हमारा रेट, देखो ये जो चीज मैंने बताई है इसको ग्राफ के थ्रू बता दिया है कि अभिक्रिया जो अभिकारक है उनकी सांद्रता जितनी ज्यादा होगी रेट भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है भाई, यहां तक कोई इशू, आगे चलते हम लोग। अब देखो वेग तो हमने पढ़ लिया, अब हम लोग बात कर लेते हैं वेग समीकरण की, जिसको हम लोग बोलते हैं इन इंग्लिश में रेट इक्वेशन, क्या बोलते हैं,
रेट इक्वेशन या फिर वेग समीकरण। देखो दो तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट के रेफरेंस में हमेशा पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, रिएक्टेंट के रेफरेंस में हमेशा नेगेटिव साइन यूज। तो देखो हम लोग कोई भी एक अभिक्रिया ले लें, सपोज ए प्लस बी, और ये ए प्लस बी मिलकर के सी और डी बना रहा है। सपोज ए के जो मोल हैं वो एन ए मोल हैं, बी के एन बी मोल हैं, सी के एन सी मोल हैं, और डी के एन डी मोल हैं। देखो हम लोग अलग अलग रिएक्टेंट और अलग अलग प्रोडक्ट के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखो अलग अलग रिएक्टेंट और अलग अलग प्रोडक्ट के रेफरेंस में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो ये कैसे लिखा जाएगा ये आप लोग समझ लो। देखो अगर ए के रेफरेंस में लिखेंगे तो रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, और इसकी कंसंट्रेशन में चेंज डी ए, मतलब डी ए अपॉन डी टी कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम, और ये इसके नंबर ऑफ। तो देखो वन अपॉन एन ए इंटू डी ए अपॉन डी टी, बी के रेफरेंस में माइनस वन अपॉन एन बी डी बी अपॉन डी टी। अब देखो सी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के रेफरेंस में हमेशा पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, और पॉजिटिव साइन यूज करेंगे तो क्या आएगा, प्लस वन अपॉन एन सी डी सी अपॉन डी। ऐसे ही प्रोडक्ट के रेफरेंस में, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर देखा जाए तो जो एन ए एन बी एन सी एन डी है वो एक तरह से नंबर ऑफ मोल्स हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का मतलब जो स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन लिखी जाती है बैलेंस करके, उसमें हम लोग एन ए एन बी एन सी एन डी लिखते हैं। तो इनको एक तरह से स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक भी बोलते हैं। और जो ये मैंने ये लिखा है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी लिखा है मैंने, ये मोलर सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है, ये मोलर सांद्रता को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और किस किस की, जो ये वाला है वो ए की कंसंट्रेशन को, ये वाला है जो बी की, ये वाला सी की, और ये डी की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको हमेशा प्रोडक्ट के रेफरेंस में पॉजिटिव साइन यूज करना है, रिएक्टेंट के रेफरेंस में नेगेटिव सिंबल यूज करना है। आगे चले, अब देखो यहां से हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं। देखो यहां से समझना आप लोग, देखो यहां से क्या समझ में आया आप लोगों को कि जो वेग है, एक बार मैं देखो नीचे लिख के बताता हूं थोड़ा सा, यहां आप लोगों को समझ में आएगा थोड़ा सा। मैंने क्या लिखा है यहां पे कि अगर जो आर है हमारा, वो आर क्या है हमारा, देखो ध्यान से समझो, माइनस वन अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये जो है ये जो पार्ट है और ये नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना, ये जो पार्ट है ये जो है वो ए के विलोपन की दर को रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए, ए के विलोपन की दर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर यहां बी होगा, मतलब डी बी अपॉन डी टी होगा, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी के डेस्ट्रक्शन या बी के विलोपन की दर को। अब लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर यहां पे हम लोग ये वाला पार्ट यूज कर लें, सपोज ये वाला मैं यहां पे लिख के बताता हूं, सपोज मैं आर बराबर यूज कर लूं माइनस सॉरी प्लस वन अपॉन एन सी डी सी अपॉन डी टी, तो ध्यान रखना ये जो पार्ट है ये इतना सा पार्ट, ये सी के बनने की दर को, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो अगर हम लोग यहां से एक नया रिलेशन निकालें तो वो रिलेशन क्या होगा, देखो ध्यान से समझना कि इसको यहां से इसको अलग ले लूं तो ये क्या होगा, ए के विलोपन की दर, तो ये किसके बराबर होगा, एन ए इंटू वेग के बराबर होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रख। अगर वी के विलोपन की दर देखें तो ये वाला बी के विलोपन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेग इंटू एन बी। ऐसे ही अगर सी के बनने की दर देखी जाए तो यहाँ पे क्या होगा, डी सी अपॉन डी टी। अब देखो मैंने पॉजिटिव सिंबल यूज कर दिया है तो वो किसके बराबर होगा, वेग इंटू एन सी के बराबर होगा, ठीक है। और अगर हम लोग डी के बनने की दर देखते हैं तो डी के बनने की दर क्या होगी, डी बी अपॉन डी टी वेग इंटू एन डी। मीन्स अगर हम लोग किसी भी अभिक्रिया के वेग को किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से समझना, तो वो जो होगा वो उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बनने या विलोपन की दर को रिप्रेजेंट कर।
देखो ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, आप लोग जरूर समझ लेना, अगर फिर भी कोई इश्यू रहे तो आप हमसे पूछ लें, ठीक है। तो ये एक जो मैथमेटिकल वेग समीकरण मैंने बता दिया है, अब देखो हम लोग वेग की यूनिट पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो जो वेग का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन में चेंज इन टाइम में चेंज, ठीक है। तो सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन जो है मतलब सांद्रता है, वो उसको सांद्रता लिख दिया है, और डेल्टा टी को समय लिख दिया है, और समय को इन्वर्स कर दिया है क्योंकि समय जो है वो नीचे है, समय जो है वो कहाँ है, नीचे है। अब देखो सांद्रता की यूनिट आपको पता है, सांद्रता की यूनिट क्या होती है, सांद्रता को हम लोग मोलरता में ले लें और समय को सेकंड में ले लें, तो क्या हो जाएगा, मोल मतलब मोल पर सेकंड हो सकता है, मोल पर मिनट हो सकता है, मोल पर लीटर पर सेकंड हो सकता है, मोल पर लीटर पर मिनट हो सकता है, क्योंकि आपको सांद्रता की यूनिट रखनी है यहाँ पे समय की यूनिट, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, देखो अगर हम लोग बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो देखो अगर ठोस अभिकारक लेते हैं तो देखो बेसिकली हम लोग जो अगर बीएससी लेवल पे बात करें तो हम लोग कभी भी ठोस अभिकारक की रिएक्शन नहीं करवाते हैं, अगर थोड़ा सा हाई लेवल जाएंगे तो ठोस अभिकारक की करवाएंगे। रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग हमेशा लिक्विड यूज करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, अगर कोई सॉलिड भी है तो उसका लिक्विड सॉल्यूशन बना लेंगे, और जब भी कोई लिक्विड होता है तो उसकी हमेशा सांद्रता की बात की जाती है, ठोस की कोई सांद्रता नहीं होती है, लिक्विड की सांद्रता होती है। और अगर हम लोग गैस की बात करें तो देखो गैस की सांद्रता नहीं होती है, होती है गैस की सांद्रता, लेकिन गैस की सांद्रता को दाब से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये थोड़ा सा समझ लो आप, ठीक है। तो नीचे मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी है कि गैसों के लिए उनकी सांद्रता, गैसों के लिए उनकी सांद्रता आंशिक दाब के रूप में प्रदर्शित की जाती है, इस कारण से गैसीय अभिक्रियाओं के लिए जो वेग की यूनिट होगी, जो मोल पर लीटर था उसकी जगह क्या हो जाएगा, एटमोस्फेयर पर सेकंड आ जाएगा, या एटमोस्फेयर पर मिनट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो गैसों की सांद्रता होती है उसको मोल पर लीटर में व्यक्त नहीं करते, उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, दाब में, प्रेशर की फॉर्म में, और प्रेशर की जो यूनिट होती है वो आपको पता है वो एटम होती है, ठीक है बच्चों। तो देखो आज का हमारा जो पहला सेशन है उस सेशन में हम लोगों ने बेसिक चीजें डिस्कस कर ली है, जो हमारा सेकंड सेशन होगा उसमें हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें, तब तक इंतजार करें, जल्द ही आपको दूसरा सेशन मिल जाएगा, और आई थिंक आप लोगों के लिए मेरे सेशन बहुत उपयोगी होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार।